तो दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ और आज का मेरा टॉपिक है 60 kVA का डेल्टा UPS। इसको हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में यूज करते हैं और इसको ऐसे फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है जिस फैक्ट्रियों में थोड़ी देर भी इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो प्रोडक्शन में बड़ा नुकसान हो जाता है। आज मैं इस वीडियो में इसी UPS को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसी सब जानकारी के लिए ऐसी सारी बातें बताने वाला हूँ और कर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। और उससे भी बड़ी बात, मेरे पास 60 kVA का 2 UPS है और उसको मैं सिंक्रोनाइज करने वाला हूँ, पैरेलल कनेक्शन करने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो कि 2 UPS को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है, कैसे पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज UPS जहाँ पे इंस्टॉल होने जा रहा है वो है नेपाल का फूड कंपनी और इस फैक्ट्री में होता है नूडल्स का प्रोडक्शन और इस कंपनी का नाम है सीजी फूड्स नेपाल। तो आप देख सकते हैं दो लोग मिलकर UPS को लेके आ रहे हैं और इस UPS को इसी रूम में इंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल करने में लगेगा 2 UPS, 60 kVA का 2 UPS और 36 बैटरी जिसको हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं और ये सब ड्राई बैटरी है, इसमें डिस्टिल वाटर और एसी डालने का जरूरत नहीं पड़ता। तो आइए अब इस UPS को बक्स से बाहर निकालते हैं। इस UPS को बहुत अच्छे से पैक किया गया है ताकि ट्रैवल करते वक्त UPS पे कोई नुकसानी ना हो जाए। देख सकते हैं ऊपर का बक्स खुल चुका है। अब हम इस बक्स को जल्दी से खोलकर UPS को बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं UPS का पूरा बॉक्स ओपन हो गया है और UPS पूरे तरीके से बॉक्स से बाहर आ गया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये 2 UPS अब कनेक्शन के लिए रेडी हो गया है। और इसके बाद हम देखेंगे UPS के साथ में और क्या आता है। इस बॉक्स में है एक UPS का यूजर मैनुअल और एक UPS का टेस्ट रिपोर्ट जो UPS भेजने से पहले कंपनी में टेस्ट होता है। उसके बाद है कुछ केबल शू जो UPS के पावर केबल और बैटरी कनेक्टर पे लगता है और इसी बॉक्स में आता है एक USB केबल और एक पैरेलल केबल जो 2 UPS को पैरेलल कनेक्शन करने में काम आएगा और कुछ कनेक्टर। अब एक काम खत्म करने के बाद आएगा बैटरी का काम। अब उसी रूम के अंदर जो रैक है उस पे 36 बैटरियां मिला के रखना है और इस बॉक्स के अंदर है वही बैटरियां। इस बैटरी के बॉक्स को भी बहुत अच्छे से पैकिंग किया गया है ताकि बैटरी पे कोई डैमेज ना आ जाए। चलिए जल्दी से इस बॉक्स को पहले खोलते हैं। और बैटरी के साथ में आता है एक वारंटी कार्ड, एक बैटरी एक वारंटी कार्ड। Thank you.
बैटरी रखने का काम भी खत्म हो गया है। अब इसके बाद में आता है बैटरी का कनेक्शन का काम। बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करना है और उस कनेक्शन के लिए चाहिए हमको कुछ केबल, और वो केबल यूपीएस के साथ आती है और उस केबल को छोटे छोटे टुकड़े करके उस केबल पे केबल शू लगा के भेजते और ये वही केबल है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही दिखा पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बैटरी को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उस वायर को, उस केबल को हम यूपीएस पे कहाँ पे कनेक्ट करते हैं और दो यूपीएस को सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं और सिंक्रोनाइज करने के लिए कौन कौन सी केबल यूज होता है, यूपीएस पे क्या सेटिंग करना पड़ता है और यूपीएस के पैरामीटर कैसे सेट करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।